फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो स्पोर्ट्स इन फोटेक। माय नेम इज अंकित शर्मा एंड यू वाचिंग द वन एंड ओनली स्पोर्ट्स इन फोटेक। सो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा हाउ यू कैन क्लियर योर स्मार्ट एग्जाम। स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। हाउ यू कैन क्लियर दैट, बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ कमेंट्स इन माई यूट्यूब चैनल कि सर मेरे को स्मार्ट एग्जाम का प्रोसेस नहीं पता है, इसका मार्क्स क्या होता है पास होने के लिए, लाइक ये ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है एग्जाम, इसका पासिंग मार्क्स क्या होता है, सारा कुछ क्वेश्चंस जो भी आपका रहता है इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखो, देन यू कैन नो हाउ यू कैन पास योर स्मार्ट एग्जाम, विल गेट अ डिटेल अबाउट हाउ यू कैन पास योर स्मार्ट एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे मैं लगा दूंगा स्क्रीन एंड देन यू कैन सिंपली फॉलो अप जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्मार्ट एग्जाम, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ स्मार्ट इन्वॉल्व क्लियरिंग बोथ द स्मार्ट एंड द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। सो दो आपका चीज होता है, स्मार्ट एग्जाम होता है और एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है, ठीक है। द वेटेज ऑफ स्मार्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू इज 80% एंड 20%, ठीक है, रिस्पेक्टिवली यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। और जो कैंडिडेट कैट दे चुके हैं, जी मैट दे चुके हैं, एन मैट दे चुके हैं, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, 65% का आपका अबव मार्क्स है इन दिस थ्री कैटेगरी। सो आप डेफिनेटली आपको कुछ स्मार्ट एग्जाम देने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पर्सनल इंटरव्यू राउंड दे सकते हैं। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है, यू कैन सी आर एलिजिबल डायरेक्टली फॉर द पर्सनल इंटरव्यू राउंड इन केस एट एन मैट जी मैट आपने एग्जाम नहीं दिया है और ना आपने क्रैक किया है, ना आपको स्मार्ट एग्जाम देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको पर्सनल इंटरव्यू राउंड भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद लिखा हुआ है द एडमिशन प्रोसेस फॉर स्मार्ट एग्जाम कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेजेस। स्टेजेस आपका होता है फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में एग्जाम इन लोगों का पूरा कंप्लीट होता है। तो पहला स्टेज है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एडमिशन प्रोसेस इज स्मार्ट, विच इज एन ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय द IISM। द टेस्ट इज डिजाइन टू असेस द कैंडिडेट एप्टीट्यूड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश एज वेल एज देयर नॉलेज इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। इट इंक्लूड्स स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस, कवर्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द स्पोर्टिंग इकोसिस्टम। द स्मार्ट कैरीज अ वेटेज ऑफ 30% फॉर स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस। सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30% आपको क्वेश्चंस मिलेगा फ्रॉम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और 70% आपका मेनली इन इंग्लिश ग्रामर में हो गया और मैथमेटिक्स में हो गया, ठीक है। तो मैथमेटिक्स उतना हार्ड नहीं होगा, मैथ्स बहुत ईजी होगा, सो आप सिंपली क्रैक कर सकते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे पूरा सारा कुछ अच्छा से आपका लिखा हुआ है, ठीक है। देन सेकेंड स्टेज हो जाता है पैनल इंटरव्यू। आता है पैनल इंटरव्यू। पैनल इंटरव्यू क्या होता है ये मैं तुम लोग को बता दूँ, जैसे कि मेरा इंटरव्यू है, सो मेरे साथ साथ 5-6 जन और भी कोई रहेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है, उनका भी इंटरव्यू होगा। सो इंटरव्यू होगा विद इन अ ग्रुप ऑफ 5 to 4 पीपल, दिस इज कॉल्ड पैनल इंटरव्यू। आफ्टर क्लियरिंग द स्मार्ट कैंडिडेट्स प्रोसीड टू द सेकंड स्टेज व्हिच इज अ पैनल इंटरव्यू। दिस इंटरव्यू अलाउज द इंस्टीट्यूट टू इवैल्यूएट द कैंडिडेट्स सुटेबिलिटी फॉर ए करियर इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इट असेसेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, देयर पैशन फॉर स्पोर्ट्स एंड देयर बिजनेस एक्यूमेन। द पैनल इंटरव्यू इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पैनल इंटरव्यू, तो ठीक है, तो समझ में आ गया क्या होता है ये। एंड थर्ड स्टेज हो जाता है लेटर ऑफ सिलेक्शन। द फाइनल स्टेज ऑफ द एडमिशन प्रोसेस इज द एश्योरेंस ऑफ द लेटर सिलेक्शन। कैंडिडेट्स हु सक्सेसफुली क्लियर द स्मार्ट एंड पैनल इंटरव्यू विल रिसीव अ लेटर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। दिस लेटर कन्फर्म्स देयर एडमिशन इनटू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रोग्राम। दो फेज जाने के बाद फर्स्ट फेज हो जाता है स्मार्ट एग्जाम, हैंड रिटन जो होगा आपका थ्योरी होगा। सेकेंड हो जाता है स्टेज पैनल इंटरव्यू। थर्ड हो जाता है आपको मिलेगा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की फाइनली जो भी आपने दिया है फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में एग्जाम, वो देखने के बाद आपका अगर मार्क्स अच्छा है, आपका अगर वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है, देन यू आर एबल टू कम इन टू अ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कॉलेज। और ये भी लिखा हुआ है कि स्मार्ट एग्जाम इज कंडक्टेड ऑनलाइन अलाउइंग कैंडिडेट टू टेक द टेस्ट फ्रॉम कम्फर्ट ऑफ देयर होम। सो ये जो आपका टेस्ट होता है स्मार्ट, वो आप बिल्कुल घर में बैठ कर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो भी कॉलेज में जाना चाहते हैं आपको वहीं पे जाके देना पड़ेगा स्मार्ट एग्जाम, नो, आप घर पे बैठकर एक आराम से एग्जाम दे सकते हैं स्मार्ट एग्जाम, ठीक है। तो हम लोग आज बात किए हैं स्मार्ट एग्जाम के ऊपर पूरा सारा कुछ इन डिटेल में हम लोग समरी करेंगे। सो स्मार्ट एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कॉलेज। कोई के कॉलेज में ये होता है स्मार्ट एग्जाम, कोई के कॉलेज में नहीं होता है। सो ये मेनली डिपेंड अपॉन द कॉलेज, की कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लेंगे कि नहीं लेंगे एग्जाम्स। सम कॉलेज में सिर्फ इंटरव्यू होता है और कुछ कुछ कॉलेज में आपका स्मार्ट एग्जाम होता है फर्स्ट स्टेज, और सेकंड स्टेज होता है आपका इंटरव्यू राउंड, एंड देन थर्ड स्टेज में हो जाता है आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिलता है कि आपको ये वीडियो से समझ में आ चुका है कि स्मार्ट एग्जाम कैसे देना है, ठीक है। मैं अच्छा से एकदम समझा दिया इन डिटेल,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स इन्फोटेक चैनल, बिकॉज स्पोर्ट्स इन्फोटेक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हेल्प करता है टू बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, ठीक है, विद नॉलेज, विद लाइव टू लाइव सेशन, ऑल्सो गिविंग अस योर इंटर्नशिप एज वेल एज प्लेसमेंट इन ऑल द सेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री. सो प्लीज़ फॉलो स्पोर्ट्स इन्फोटेक, ऑल्सो शेयर करो अपने फ्रेंडों के साथ. और रियली आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू जो वीडियो को एंड तक देखे हैं. थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक प्लीज स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.